23 मई 2017 गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की ये धरती और इस धरती से देवी चित्रलेखा का ये वादा है कि ये अंत नहीं, ये एक नए युग का आरंभ है। जिस मेहनत से, जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से जीवन के अब तक के समय को भगवत चरणों में और गौ माता के चरणों में समर्पित किया है, अब उससे दुगनी मेहनत करने की आवश्यकता है और वो हम अवश्य करेंगे अगर आप सबका साथ रहा। ये जो हॉस्पिटल है, ये गौ सेवा धाम की धरती है। इस धरती को आपने जितना सुंदर आज देखा है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर आप कुछ आने वाले महीनों में देखने वाले हैं। इसलिए वो लोग जो सोचते हैं कि ये अंत है, आप बस देखते रहिए। आप जानते हैं जिस समर्पण के साथ हमने इस हॉस्पिटल को सजाया है, गौ माता की सेवा को, जब तक अब मैं अपने साथ प्रभु जी का नाम भी जोड़ूं, जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम भागवत को गौ माता के प्रति समर्पित है हमेशा रहेंगे। जीवन के हर प्रयास के द्वारा इस संस्था को, इस हरिनाम को और बढ़ाना है। फिर लोगों के मन में एक प्रश्न आया कि विवाह अभी से क्यों? उसका उत्तर शायद मुझसे बेहतर मेरे माता पिता दे सकते हैं, क्योंकि आप कथा में नहीं जाते, लेकिन मेरे माता पिता हर जगह मेरे साथ कथा में जाते हैं और उनको मालूम है कि कैसी कैसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। वो जानते हैं हमसे कहीं बेहतर उस समाज की वास्तविकता को जानते हैं। और मैं आप सबसे यही कहूं कि शायद जो लोग कुछ बोलने वाले हैं, उन्हीं समाज के कुछ तथाकथित लोगों ने इस फैसले को लेने को मजबूर भी किया, क्योंकि इस निर्णय को लेने के लिए शायद प्रभु की इच्छा थी और वो ये आज खुदा हुआ। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूंगी, जो कथा से प्रेम करते हैं वो जुड़े रहेंगे और जो सिर्फ किसी की शक्ल से प्रेम करते हैं वो निकल जाएंगे और उनका निकल जाना ही बेहतर है।